ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक ने तो कमाल ही कर दिया, अप्रूवल मिलने के बहुत कम चांसेस थे, लेकिन उसने प्लान ही इतना अच्छा बनाया कि मंत्री जी बस मजबूरी में हाई करनी पड़ी। थू 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 थू। किसी की नजर न लगे हमारे बच्चे को। अरे किट्टू बेटा आ गए तुम, अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। बड़ी खुशी हुई सुन के कि मंत्री जी ने हाँ कर दी। हम तो चाहते हैं तुम इसी तरह से मेहनत और लगन से काम करो और जिंदगी में तरक्की करो। कार्तिक तुम अनुभव से मिले और नायरा साक्षी से, इससे अच्छा तो दोनों को घर पे बुला लेते, ट्रेनिंग में लेते साथ साथ। वो अनुभव अचानक आ गया ऑफिस, अब प्लान करके मिलते तो साथ ही मिलते। अलग अलग मिलने में भी कोई बुराई नहीं है, लड़कों की बातें अलग होती है लड़कियों की अलग। अब देखो ना नायरा कब की गई है, अभी तक वापस नहीं आई, सहेली से बातें खत्म ही नहीं हुई होगी। तुम लड़के वहाँ होते ना तो बोर हो जाते। नायरा अब तक घर नहीं आई, पर अनुभव से मेरी बात हुई थी, वो कह रहा था ऑलमोस्ट एक घंटे पहले कि साक्षी को वो पिकअप करने जा रहा है, मतलब नायरा भी साथ ही निकली होगी ना। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था घर पे। मैं उसे फोन करके देख। हेलो साक्षी, नायरा है वहां तुम्हारे साथ? उसका फोन नहीं लग रहा है। निकल गई, मतलब कुछ बताया उसने कि कहां जा रही है? घर तो नहीं पहुंची वो? ठीक है। कीर्ति से बात हुई मेरी, नायरा वहां पे भी नहीं है। अगर 10 GB होगा ना तो भी टाइम पर नेटवर्क नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? कैसे बताऊं किसी को? वो दूसरा वाला रास्ता तो इस वक्त बंद ही होता है, मतलब यही एक रास्ता है कैफे से घर आने का। अरे यही कहीं होनी चाहिए। तुम नायरा नायरा की गाड़ी। नेटवर्क बिल्कुल नेटवर्क नहीं है इस एरिया में। नेटवर्क आ गया। जी बाबा। कार्तिक तुमने इंस्पेक्टर सिंह को फोन किया था क्या? हाँ वो नायरा के। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे, वो तो घर आ चुकी है। जी वो नहीं, बात तो मेरी भी नहीं हुई, स्वर्णा ने बताया कि वो उसकी गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, तो इत्तेफाकन वो हमारे पड़ोसी मिल गए उसे जिन्होंने उसे घर तकलीफ दे दी। क्या हुआ कार्तिक, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ।
कार्तिक बेचारा परेशान हो गया होगा, एक बार आ जाएगा तो सॉरी कह दूंगी। कार्तिक, कार्तिक, I'm sorry, वो गाड़ी खराब हो गई थी, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, इसीलिए तुम्हें नहीं बता पाई और ना ही किसी और को। I'm sorry, मेरी वजह से तुम इतने परेशान हुए। कार्तिक, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? नाराज हो? I'm sorry कार्तिक, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हुए होंगे, मेरे पीछे भागे होंगे। मैं पीछे नहीं भागा था यार, पुलिस को फोन कर दिया था ताकि वो तुम्हें ढूंढ ले और मैं अपना काम कर सकूं जो बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट था। वैसे थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूसेफ, पर अगली बार से ध्यान रखना ना यार, और हो सके तो ड्राइवर ले जाना ना साथ में। अब चले अंदर। थैंक यू कृष्णा जी, नायरा की सेफ्टी के लिए। मैं तो डर ही गया था। बेटा प्लीज, अगर कार्तिक या फैमिली मेंबर साथ ना हो तो प्लीज अकेले मत जाया करो, स्पेशली रात को। कितने परेशान हो गए थे हम तुम्हारे लिए। हाँ, पिछली बार जो हुआ उसके बाद तो तुम्हें और भी सावधान होना चाहिए। घर में इतना सारा स्टाफ है, ड्राइवर्स है, किसी को साथ में ले जाती। पता है किट्टू कितना परेशान था तुम्हारे लिए? एक तो ऑफिस में काम की परेशानी और घर आके ये जाने कहाँ कहाँ ढूंढा होगा उसने तुम्हें। कितना परेशान हुआ वो, आगे से अपना ख्याल रखना। पापा और दादी को लगता है कि कार्तिक मुझे ढूंढने गया था, जबकि उसने खुद मुझसे कहा कि ऐसा नहीं है। तो फिर सच क्या है? अगर वो मुझे ढूंढने आया था तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? और अगर नहीं आया था तो क्यों नहीं आया था? पहले तो सरासर ऐसी बात पे ओह गॉड, क्या हो रहा है ये? बजने वाले, तुम सोओगे कब? अभी नहीं, अभी बहुत काम है। साथिया
खुशी का है कहाँ पे आसमान, रहबर अब नाराही मेरा छोटा कारवां, तन्हा एक दिन का गम समंदर है यहाँ।